दोस्तों साइकोलॉजी में शैडो वर्क के अकॉर्डिंग हम सभी की दो पर्सनालिटीज होती है, एक वो जैसे हम बचपन में थे और एक वो पर्सनालिटी जो हम बड़े होते होते अपने लिए बना लेते हैं और जिसे हम मान बैठते हैं कि यही मेरी रियल और असली पर्सनालिटी है। लेकिन यही हमारे बचपन से बड़े होने के ट्रांजिशन के बीच में हमारे साथ हुए एक्सपीरियंसेस और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम अपनी एक ऐसी शैडो को बिल्ड कर लेते हैं जो हमारे साथ हमेशा चलती तो रहती है, लेकिन उसकी तरफ ना ही हम देखना चाहते हैं और ना ही उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो कई बार कारण बन जाती है लोगों के रिग्रेट्स, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स, लो मोटिवेशन और इवन डिप्रेशन तक का। साइकोलॉजिस्ट्स और रिसर्चर्स कहते हैं कि हम सभी के अंदर हमारी एक डार्क साइड होती है और एक ब्राइट साइड। हमारी डार्क साइड में हमारी वो सभी चीजें आ जाती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते और अपने ही अंदर कहीं दबा के रखते हैं, या जिन्हें हम लोगों और दुनिया से छुपा कर रखना ही पसंद करते हैं। और ब्राइट साइड में वो चीजें होती हैं जो हमें खुद के बारे में पसंद होती हैं। और इसी वजह से हम सभी दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक है हमारा कॉन्शियस सेल्फ और एक है हमारा अनकॉन्शियस सेल्फ। अपने कॉन्शियस हाफ में हमारी एक आइडियल इमेज बनी हुई है जहां हमारे पास्ट से ली गई वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी अपने कॉन्शियस हाफ को बेटर बनाने की ही है। खुद को इम्प्रूव करने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपने कॉन्शियस हाफ को सेटिस्फाई कर पाओ। लेकिन वहीं अपने अनकॉन्शियस हाफ में आपने उन सारी चीजों को दबा रखा है जिसे आप अपने लिए बहुत बुरा और अनएक्सेप्टेबल मानते हो, जहां आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, पास्ट के ट्रॉमा, एक्सपीरियंसेस और डर रहते हैं जो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर मौजूद हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने खुद के उस वर्जन से डरते हैं। हमारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते क्योंकि वो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। और यूंगियन साइकोलॉजी में हमारी पर्सनैलिटी के इस दबे हुए अनकॉन्शियस पार्ट को ही शैडो कहा जाता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग ने ही सबसे पहले डिस्कवर करा था, जिसके बारे में आज जॉर्डन पीटरसन और रॉबर्ट ग्रीन भी बात करते हैं। I go very deeply into the shadow in a chapter in my last book. अब जैसे हमारे कॉन्शियस सेल्फ को जरूरत होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, वैसे ही हमारे अनकॉन्शियस हाफ को जरूरत है सेल्फ एक्सेप्टेंस की। जैसे जब तक कि आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं तब तक आपको आउटर वर्ल्ड में सक्सेस नहीं मिल सकती, वैसे ही जब तक कि आप अपने इस डार्क साइड को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको कभी अपने इनर वर्ल्ड में पीस और शांति नहीं मिल सकती। और आपकी शैडो ऐसे ही काम करती है, आप चाहो या ना चाहो ये आपका ही एक हिस्सा है जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। जब तक आप अपनी शैडो को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इस पे काम नहीं करोगे और ये नहीं समझोगे कि ये आखिर वर्क कैसे करती है और कैसे आपको जिंदगी भर अफेक्ट करती है, तब तक आप कभी भी अपने रियल सेल्फ से मिल नहीं पाओगे। तो आइए समझते हैं कैसे आपकी शैडो आपको और आपकी जिंदगी को अफेक्ट करती है। हाउ योर शैडो अफेक्ट्स यू। कभी कभी हमें पता होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्या रोक रहा है। आपको पता है कि आपको पढ़ाई या आपका काम करना जरूरी है। आपने प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर हजारों वीडियोस देख डाली हैं, पर फिर भी आप पढ़ाई या काम करने नहीं बैठ पाते और ये साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है और आप बस हर दिन रिग्रेट करते हो। हो सकता है इसके पीछे आपकी वही शैडो छुपी हो, आपका कोई पास्ट ट्रॉमा, फेलियर का डर या कुछ भी जो आपको वो काम करने से रोक रहा है। आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करिए एक लड़का है जो बहुत ज्यादा बोलता है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, अपने कोवर्कर्स के साथ हो, कोई उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता, पर फिर भी वो चुप नहीं रह पाता, जिस वजह से सोशल सिचुएशंस में लोगों के बीच उसकी वैल्यू कम होने लगती है। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने उससे टोका भी होता है ये कहते हुए कि तुम बहुत बोलते हो, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अनकॉन्शियसली बोलता जाता है, ये जानते हुए भी कि वो ज्यादा बोलता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता। अब इसके पीछे का रीजन उसकी शैडो हो सकती है जो उससे ऐसा बिहेव करवा रही है और उसे पता भी नहीं चल रहा। हो सकता है बचपन में उसे कभी बोलने ना दिया गया हो, कभी उसे सुना ना गया हो, सिंगल चाइल्ड होने की वजह से उसने कभी किसी से ज्यादा बात ना करी हो, उसका स्कूल में कोई दोस्त ना रहा हो, वो एक इंट्रोवर्ट था, या उसके पीछे कोई ट्रॉमा हो जिससे कोप करने के लिए वो साइलेंस को सप्रेस कर रहा हो, ज्यादा बोल के वो अपने बारे में कुछ प्रूफ करना चाह रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है जो अब उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। जिस मिनट आप सुनते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये करना मेरे लिए बहुत बुरा है, आप उसे इमीडिएटली डिनाई, इग्नोर और सप्रेस करने लगते हो। और जैसा कि जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, द शैडो ग्रोज एवरी टाइम यू रिप्रेस इट। जितनी बार आप अपनी शैडो को दबाने की कोशिश करते हो ये और ज्यादा ग्रो होती है। जब आप अपने ही पार्ट्स को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो वो आपके कॉन्शियस अवेयरनेस से तो गायब हो जाता है, पर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में शैडो बन के बैठ जाता है जो आपकी डेली लाइफ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है और आपको पता भी नहीं चलता। कार्ल यंग का कहना था कि द शैडो इज द रीजन वी डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी डू इट। शैडो ही वो कारण है जिसकी वजह से हम जीवन में कुछ चीजें बिना ये सोचे समझे करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं। तो आइए इसीलिए जानते हैं कि कैसे अपने अंदर छुपी शैडो को ढूंढा जाए। हाउ टू स्पॉट शैडो विद इन यू।
अपनी शैडो को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक डार्क साइड है, खासकर तब जब आपने उसे कई सालों पहले ही अपने अनकॉन्शियस सेल्फ में दबा दिया हो। बट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इन तीन तरीकों से आप अपनी शैडो को स्पॉट कर सकते हो। प्रोजेक्शन। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों पे थोप देते हैं। जब उन्हें अपने बारे में कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो उस चीज को दूसरों में पॉइंट आउट करने लगते हैं। जब हम अपनी शैडोज को दूसरों में प्रोजेक्ट करते हैं तो दूसरों में अक्सर कमियां निकालकर हम अपने रिप्रेस्ड एंगर, गिल्ट और शेम को दिखा रहे होते हैं। इसीलिए नोटिस करो कि आप बाहर कैसे एक्ट करते हो और अपनी किन शैडोज को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हो। ट्रिगर्स। एक ट्रिगर आपके किसी पास्ट ट्रॉमा का रिमाइंडर हो सकता है। कई बार कुछ बातें सुनकर या कुछ देखकर हमारे अंदर के इमोशंस फटने को आ जाते हैं, जिसके रिस्पांस में कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्से में एक्ट करते हैं तो कुछ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आपके ये ट्रिगर्स एक मैसेज की तरह होते हैं जो आपके अंदर कुछ दबे हुए पार्ट्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। पैटर्न। हर शैडो एक एक्शन की तरफ लीड करती है। आप अपनी लाइफ में जो भी बुरी आदतें बार बार रिपीट कर रहे हो, उन सबका रूट कॉज शैडो हो सकती है। आपकी लाइफ के पैटर्न्स आपकी शैडो का रिफ्लेक्शन होते हैं। आपकी शैडो चाहती है कि आप इसे देखो और इसे एक्सेप्ट करो, पर इंस्टेड आप इस शैडो को स्पॉट करते ही किसी बैड हैबिट में इंडल्ज हो जाते हो। इनफैक्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों के अल्कोहल एडिक्शन के पीछे उनका कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा छुपा होता है। सो जब आप अपनी लाइफ में एक पैटर्न बनता हुआ नोटिस करो तो हो सकता है उसका रूट कॉज आपकी शैडो हो। नाउ जब एक बार आपको अपनी शैडो का पता चल जाए, उसके बाद आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी पे आके हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है। इस पूरे वर्क को ही शैडो वर्क कहते हैं, जिसे कार्ल यंग डिफाइन करते हुए कहते हैं, शैडो वर्क इज सिंपली बिकमिंग अवेयर ऑफ व्हाट्स हिडन एंड ग्रेजुअली हीलिंग दोस एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ। शैडो वर्क का सिंपल मतलब है उस बारे में अवेयर हो जाना जो छुपा हुआ है, और फिर धीरे धीरे अपने उन एस्पेक्ट्स को हील करना है। हम अपनी शैडो से कैसे डील कर सकते हैं। रिव्यू योर चाइल्डहुड। जब आपको आपकी शैडो मिल जाए, आपको उसके रूट कॉज का पता लगाना है। ये रूट कॉज आपका कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर एक रेपिटेशन, जहां एक ही बात बार बार बोल बोल कर आपके सबकॉन्शियस में बिठा दियो। कई साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी शैडो का रूट कॉज आपके चाइल्डहुड यानी आपके बचपन में ही कहीं छुपा होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने चाइल्डहुड को एक बार रिव्यू करो। क्या आपने कुछ ऐसा देखा था, क्या आपने किसी से कुछ कहा था, या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा था जो आपकी शैडो बन के बाहर आ रहा है। डोंट शेम द शैडो। याद रखो कि आपकी शैडो आपके नॉन एक्सेप्टेंस बिहेवियर से पैदा हुई है, जिसका एक ही सलूशन है एक्सेप्टेंस। आपको इसे इग्नोर नहीं करना बल्कि इसका सामना करना है। अपने सारे रिजेक्शंस को रिव्यू करके आपको ये देखना है कि आप जिस चीज को छुपा रहे हो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो खुद को माफ करके उसे अपने अंदर से रिलीज कर दो, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसे गले लगा लो। ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, जब भी वो अपनी शैडो को स्पॉट करते हैं तो उसे इमीडिएटली बैड फीलिंग के साथ जज करना शुरू कर देते हैं, जो उसे और पावरफुल बनाता है। ट्रिगर्स आपकी शैडो का एक मैसेज होता है। इस बार जब ये मैसेज आए और आपके अंदर कई सारे इमोशंस डेवलप होना शुरू हो, तो इस मैसेज को इग्नोर मत करो, बल्कि याद करो अपनी शैडो को और खुद को याद दिलाओ कि ये आपका ही एक पार्ट है जिसे आप ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।